टाइटैनिक के बारे में तो आपने खूब पढ़ा और सुना होगा। हम फिल्म की बात नहीं कर रहे बल्कि उस असली टाइटैनिक जहाज की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बन चुकी है। क्या आपको पता है कि आज तक टाइटैनिक जहाज को समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया? टाइटैनिक जहाज को समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया, इसके पीछे असल में गहरा रहस्य छिपा है। क्या है वो रहस्य, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 108 साल हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को वापस लाने की कोशिश नहीं की गई। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? नहीं ना, तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसे जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्प्टन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर दो टुकड़ों में टूट गया। इसका मलबा लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में समा गया। समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोज निकाला। ये जहाज जहां डूबा वहां घुप अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना ही बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबे को निकालना असंभव था। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा टाइम तक टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरीके से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। बाकी दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।